देश के ऑटो सेक्टर में कारों की बिक्री में गिरावट आने के बीच नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार का पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्लान नहीं है। वित्त मंत्रालय ऑटो इंडस्ट्री में चल रही मुश्किलों को हल करने की कोशिश में लगा हुआ है। चर्चाएं चलती रही, मीडिया में आता रहा और कुछ सरकार में भी कुछ सजेशन के रूप में चर्चा हुई है कि पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स है उसको बैन करना और ये इसके कारण भी काफी बड़े प्रभावदार लोगों के मन में था। मैं पहली बार आपको ये क्लियर बता दूं कि किसी भी प्रकार से पेट्रोल और डीजल व्हीकल को बैन करने का, स्टॉप करने का कोई भी इरादा सरकार का नहीं है, ऐसा काम कोई भी करने वाली नहीं है। बता दें कि ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। इस बीच पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।